कि बैकएंड पर लॉन्चिंग यानी जो हम सब अपेक्षा लगाए हैं कि हमारे वैलेट में एप्पल्स आए, उसका पूरा पूरा काम चल रहा है दोस्तों। वर्तमान दृष्टिकोण यह कहता है कि हमारे जीवन में जल्द ही चमत्कारी क्षण घटित होने वाले हैं। हमें विशेष रूप से क्या चाहिए अभी के करंट सिनेरियो में, जो हम लोग अपेक्षा करते हैं ऑन पैसिव से हमारे एस सर से, एक बढ़िया कॉर्पोरेट वेबिनार होना चाहिए एस सर के साथ, वो होने वाला है। एस बम गिरने वाला है और जितने भी वो कनेक्ट परचेज कर लिए हैं उनका पैकेज बाई हो गया, पैसा उनके बैंक अकाउंट से कट गया है, लेकिन उनका अकाउंट एक्टिव नहीं हुआ है, वो भी सब एक एक करके वहां हमारे टेक टीम उसको क्रियान्वित कर रहे हैं। और जो हमारा विड्रॉल था पेंडिंग उस पर भी काम चल रहा है, कमीशन पर भी काम चल रहा है, बोनस पर भी काम चल रहा है। ऑन पैसिव एआई टूल सहित ओईएस पूर्ण संस्करण में आने जा रहा है। कल नया हमारा इकोसिस्टम आ चुका है, आप लोग देखे होंगे, क्योंकि हर मंडे को हमारा एक नया वेबसाइट आता है। और ऑटोमेशन कैटमो को जब जोड़ा जा रहा है यहां पर, तो समझ सकते हैं कि कहानी अब शुरू हो चुकी है। जो ट्रैफिक है जो बहुत जल्द ही शुरू होने वाला है दोस्तों, जो हमारा ट्रैफिक पोल है वो हम सबको मिलने वाला है। और यहां पर बूम 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 और सब कुछ बूम बाम होने वाला है, हर दिन बम ब्लास्ट होने वाला है हर दिन। यहां पर कोई हम लोग नौकरी पेशा नहीं है कि हम महीने भर काम करते तनख्वाह के लिए बैठे हुए हैं, कोई दैनिक मजदूर हम लोग नहीं है कि दिन भर काम किए और शाम के पैसे में इंतजार में बैठे हुए हैं, कोई हम लोग आईटी सेक्टर के कोई ऐसे क्षेत्र में काम नहीं कर रहे हैं जहां पर हम पैकेज पर काम कर रहे हैं, जहां पर 10 लाख 20 लाख पैकेज पर आज लोग काम कर रहे हैं, आज ऐसे भी हम लोग नहीं है। यहाँ पर हर दिन हम सबको यहाँ बहुत सी चीजें दिखाई देने वाली है और बहुत सारा बम फूटने वाला है दोस्तों। तो एक चीज आप लोग ध्यान रखिएगा कि आप लोग अगर अपना अपना माइक बंद रखिएगा तो मजा आएगा आपको सुनने में भी और मुझे सुनाने में भी। ये आपकी जिम्मेवारी है, ये आप सबकी मीटिंग है, हमारे अकेले का ये कुछ नहीं है दोस्तों। अगर अकेले का रहता तो मैं तो अकेले समझ गया, मैं चुपचाप बैठा रहता, आपसे फिर बात करने की क्या मतलब है। तो ये चीज आपको ध्यान में रखना है दोस्तों। चलिए अब हम कल के जो पॉपअप मैसेज आए हैं उस पर मैंने बात कर लिया। अभी कल रात में एक और आपके बैक ऑफिस में ओ फाउंडर्स डॉट नेट पर एक मैसेज आया है, मार्टी के द्वारा वहां पर पोस्ट किया गया है, आप लोगों ने उसको पढ़ा होगा, जो इम्पोर्टेंट मैसेज है, नीड्स टू बी डन एएसएपी। व्हाट इज एएसएपी आप लोग समझ गए होंगे, तो उसके बारे में हम लोग बात करेंगे। ऑन पैसिव अपडेट, इफ यू हैव पेड फॉर ओ कनेक्ट एंड हैवेंट बीन एक्टिवेटेड, यानी आपने ओ कनेक्ट का पैसा पे कर दिया, आपके पैसे कट गए हैं लेकिन आपका अकाउंट एक्टिव नहीं हुआ है, तो प्लीज डू द फॉलोइंग। नीचे आपको फॉलोइंग जो लिखा हुआ है वो मैसेज में आप देख लीजिएगा, आपके बैक ऑफिस में है। ये मैसेज उन लोगों के लिए है जिनका पैसा बैंक अकाउंट से कट गया है लेकिन उनका अकाउंट एक्टिव ओ कनेक्ट का नहीं हुआ है, सिर्फ और सिर्फ ये मैसेज उन लोगों के लिए ही है, सबके लिए नहीं है, ये ध्यान रखिएगा दोस्तों। वहां पर आपको कुछ फॉलोइंग फॉलो करना है, सेंड आपको ईमेल सेंड करना है, कहां पर, support@onpassive.com पर। मैं बहुत पहले ही आप सबको यहां पर बताया करता था कि आप मेल कर सकते हैं support@onpassive.com पर। वहां पर सब्जेक्ट में आपको लिखना है ओ कनेक्ट पेड बट नॉट एक्टिवेटेड, बस सिंपल सा जैसे वहां पर दिया गया है वैसे ही आपको फॉलो करना है। फिर आप हमको व्हाट्सएप पे मत पूछिएगा सर हमको लिखने पढ़ने नहीं आता है, आप आईडी पासवर्ड ले लीजिए, आप हमारा कर दीजिए, तो प्लीज ऐसा मत कीजिए। आप लोग अपने आसपास या आपके जो ब्लेसर हैं आप उनसे सहयोग लेकर के
चूंकि हमारे मोबाइल में बहुत सारे लोगों का आईडी पासवर्ड लॉगिन होता है, तो मैं आपसे आपको बिल्कुल ही सलाह देना चाहूंगा, आग्रह करना चाहूंगा, जो लोग पढ़े लिखे नहीं है, कृपया आपको कोई भी मेल करना हो, सपोर्ट में लिखना हो, तो आप अपने आसपास के लोगों से मदद लीजिए, उनके साथ बैठ करके सीखिए कैसे किया जाता है, तो आपको भी सीखने में मजा आएगा और करने में भी मजा होगा। आज आज आप तो कोई कर देगा आपको, मान के चलते हैं मैंने कर दिया या किसी ने, लेकिन आपने नहीं सीखा तो आने वाले टाइम में ये सारी चीजें होने वाली है। तो वहां पर आपको लिखना है सब्जेक्ट में, वो कनेक्ट पेड बट नॉट एक्टिवेटेड इन द बॉडी ऑफ द मेल ईमेल, वी नीड ओमेल ईमेल आईडी एड्रेस, वहां पर आपको ओमेल और ईमेल आईडी एड्रेस लिखना है, प्रूफ ऑफ पेमेंट लास्ट 4 डिजिट क्रेडिट कार्ड, आपका डेबिट कार्ड क्रेडिट कार्ड जिससे आपने पेमेंट किया है उस कार्ड का लास्ट वाला 4 डिजिट आपको मेंशन करना है। अगर आपने क्रिप्टो करेंसी से पेमेंट किया है तो वो उसका आपको वहां पर हैश करके जो आता है, जो क्रिप्टो का एड्रेस, वो वहां पर आपको सेंड करना है, और आपका पेमेंट स्लिप को भी आपको अपलोड करना है वहां पर। पेमेंट स्लिप आप स्क्रीनशॉट से लिया गया हो या आपके बैंक अकाउंट में आपने अपना पासबुक अपडेट कराया हो, या जिनका भी इंटरनेट के लिए अगर एक्सेस किया गया है उनका बैंक अकाउंट, तो उनके मेल पर मेल आईडी आप जरूर जोड़ के रखिए। जो लोग कार्ड से पेमेंट करते हैं कृपया आप लोग मेल आईडी को जरूर मेंशन कीजिए बैंक के आपके खाते में और मोबाइल नंबर को, तो क्या होगा, जो भी ट्रांजेक्शन होता है उसका आपका ट्रांजेक्शन आईडी वो मेल आईडी पर आ जाता है, मतलब आपको इधर उधर दौड़ने की जरूरत नहीं है। जब जब आपका पैसा कटेगा वो मेल आईडी पर वहां पर आपको ऑटोमेटिक आ जाता है, आप उसको भी मेंशन कर सकते हैं। अदरवाइज आपके जो बैंक अकाउंट में पासबुक आप अपडेट कराते हैं, प्रिंट करवाते हैं, तो उसका भी आप स्क्रीनशॉट फोटो वहां पर अटैच करना इम्पोर्टेंट है। ये बस इतना ही सिंपल सा करना है। क्या करना है आपको, support@onpassive.com पर मेल करना है, सब्जेक्ट में आपको लिखना है, वहां पर जब आप सब्जेक्ट में जाएंगे तो ओ कनेक्ट पेड बट नॉट एक्टिवेटेड वो लिखा हुआ है वहां पर, आपका जो मैसेज है उस पर आप देख करके कॉपी करके वहां पर पेस्ट कर सकते हैं, और आपका ईमेल वहां पर डालना है, ईमेल एड्रेस और आपका ओमेल आईडी, ये दोनों चीज देना है, प्रूफ देना है पेमेंट लास्ट 4 डिजिट कार्ड का, आपका डेबिट क्रेडिट कार्ड का लास्ट का 4, और आपका पेमेंट का प्रूफ यानी पेमेंट स्लिप का वो प्रूफ वहां पर लोड करना है दोस्तों। तो चलिए ये बातें हम लोगों ने कर लिया जो कल रात में आया था मैसेज। अब हम बात करते हैं, डॉक्टर बिल विलियम का एक पोस्ट आया है, आप लोगों ने भी देखा होगा, तो हम उस पर बात करते हैं जो इंग्लिश में है, बहुत सारे लोगों को नहीं समझ में आया होगा। तो वहां पर डॉक्टर बिल विलियम ने ई कॉमर्स के बारे में गुड न्यूज दिया है, तो ई कॉमर्स का बहुत बड़ा मार्केट है दोस्तों दुनिया में, और ई कॉमर्स के बारे में हम बार बार कहते आ रहे हैं कि जो हमारा ये क्या बोलते हैं एमेजोन है, जिसका हम अभी सर्वर यूज करते हैं, थे अब नहीं, एमेजोन का जो हम उसका डेटा सेंटर यूज करते थे। यस यस सर बिल्कुल, तो उसमें बहुत सारे हमको पैसे भी भरने पड़ते थे, लेकिन आपको मैं कई बार बताया हूं कि एमेजोन का 70% जो रेवेन्यू है वो डेटा सेंटर से आता है, अगर वो एक सुई भी ना बेचे फिर भी उसको, अगर 100 रुपया कमा रहा है तो 70 रुपया उसको निरंतर आता रहेगा, उसको भूख मरने की जरूरत नहीं है। दैट्स व्हाई ऑन पैसिव में भी यहां पर यही सिनेरियो है। आज तक के इतिहास में दोस्तों पूरी दुनिया में जो भी कंपनियां आई हैं लोग कंपेयर करते हैं, उनके लिए मेरा ये आज का जवाब है। बहुत सारे भाई बहन हमसे प्रश्न करते हैं, चैट करते हैं, कमेंट करते हैं, कई लोग तो मुझे गाली भी देते हैं, उनके लिए भी अच्छा बात है। कई लोग कल मैं फेसबुक पर देख रहा था पोस्ट किए थे, वो मेरे को गाली से भी संबोधित किए हैं कि आप
लोगों को बरगला रहे हो, ये कंपनी भग जाएगी, ये कुछ नहीं देने वाला है। तो मैंने उनको भी थैंक यू बोला है वहां पर, इसलिए कि समझ समझ का फिर है दोस्तों, एक तालाब में मछली भी है और मोती भी है, आपके ऊपर में है आप मोती निकालते हो कि मछली, ये आपके सोच पर निर्भर करता है। तो ऐसे भाई बहन जो मुझे गालियां भी देते हैं, क्रिटिसाइज करते हैं, उनका भी मैं तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ, इसलिए कि ईश्वर के बनाए गए सभी लोग हैं मनुष्य, जितने भी धरती पर मनुष्य हैं ईश्वर ने निर्माण किया है, तो जो ईश्वर निर्माण किया है उससे किस बात का घृणा? हमारा और आपका सोच अलग हो सकता है, घृणा किस बात की? आप चोर हैं, हम राजा हैं, हो सकता है आप ज्यादा पढ़े लिखे हैं, हम कम पढ़े लिखे हैं, हमारे सोच का अंतर है। आप एक कोई भी डिजीज को आप 6 देख रहे हैं, मैं 9 देख रहा हूं, आप अपने जगह पर सही हैं, मैं अपने जगह पर सही हूं। तो ऐसे भाई बहन जो मुझे क्रिटिसाइज करते हैं, गालियां देते हैं और कमेंट में गलत लिखते हैं, उनको भगवान सुध बुद्धि दे। और मैं आप ऐसे लोगों से आग्रह करना चाहूंगा, कृपया आप मेरे सेमिनार में आइए, प्रश्न कीजिए। दुनिया का पहला वो कनेक्ट का ऐसा प्लेटफॉर्म है ऑन पैसिव का, मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि सभी लोगों का माइक खुला होता है। अगर मैं कोई भी गलत बात बोलता हूं, आप अपने माइक खोल करके यहां पर मुझे बोल सकते हैं, आप गाली दे सकते हैं, मुझे भला बुरा कह सकते हैं, या मैं गलत कोई भी कंटेंट यहां पर बताता हूं तो आप मुझे बिल्कुल ही यहां पर एड्रेस कर सकते हैं। ये खुला मंच है, ओपन माइक है, हम एक पारिवारिक परिचर्चा के लिए यहां पर आते हैं, फैमिली डिस्कशन के लिए, हम सभी जो ऑन पेसिव परिवार है उसके लिए यह मंच मैंने बनाया है 11:30 बजे का सेशन। आइए, पूरे दुनिया भर के जितने भी हमारे ऑन पेसिव के भाई बहन हैं, परिवार हैं, आइए, आपका इस मंच पर स्वागत है।